यूपी के मुरादाबाद में ही बीजेपी विधायक की गुंडागर्दी सामने आई। मामला है फतेहगंज बरेली टोल प्लाजा का। यह घटना 17 अप्रैल की है। सीतापुर के विधायक राकेश राठौड़ ने टोल कर्मचारियों के साथ हाथापाई की, साथ ही साथ उनके काफिले की सारी गाड़ियां बगैर टोल टैक्स चुकाए वहां से गुजरी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गाड़ी से उतरकर विधायक ने टोल गेट का बैरियर तोड़ दिया और वहां खड़े कर्मचारी को थप्पड़ मारा। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक ने खुद खड़े होकर अपने काफिले की सभी गाड़ियों को वहां से पास करवाया। पीड़ित टोल कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि शिकायत दर्ज करवाने के दो दिनों के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं की है। ये देखिए गुंडागर्दी की तस्वीरें मुरादाबाद से। तो योगी जी, अपने एमएलए की गुंडागर्दी देखिए तस्वीरों के जरिए। 17 अप्रैल का मामला, टोल प्लाजा पर टोल कर्मी के साथ मारपीट, और उसके बाद विधायक जी ने वहां पर खुद खड़े होकर अपने काफिले की सारी गाड़ियों को बगैर टोल टैक्स दिलवाए वहां से गुजार दिया। तो ये वारदात की जो तस्वीरें हैं सीसीटीवी में कैद हैं, सबूत सामने हैं। बावजूद इसके अब पुलिस पर लापरवाही का आरोप लग रहा है कि किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई पुलिस की ओर से। कर्मचारी काम कर रहा था, उससे मैंने बोला था कि बोलने के लिए गया था उनकी उसके बूथ में कि ये गाड़ी सर विधायक जी साहब की एग्जम्प्ट करें। तब तक विधायक जी की गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी और उनके गनर उतर के जो बूम उसको लगा था उसको तोड़ के आगे निकल गए थे। जब मैं बूम के पास गया, एक हमारे साथ के टीसी ने बूम लगा दिया था, तो उनके गनर साहब वहीं पर खड़े थे। मैंने उनसे बोला कि सर क्या बात है, तो बोले मेरी तीन गाड़ियाँ और हैं। तो मैंने कहा सर एक मिनट रुकिएगा, आपकी गाड़ी में हम अभी निकलवाते हैं। तब तक क्या हुआ, विधायक जी आगे से आके मेरे पे थप्पड़ चलाने लगे। एक सिस्टम के थ्रू गाड़ी को प्रोसेस करना होता है, बट उनके आदमी ने जबरन बूम आर्म को खोल दिया, आगे की तरफ धकेल दिया और अपनी गाड़ी को निकाल दिया। जो कि मौके पर हमारा स्टाफ था, ये मिस्टर मयंक द्विवेदी और हमारे अफसान सिंह हमारे टोल कलेक्टर हैं, वहाँ पे उनको बीच बचाव मतलब उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, बट वो जीत पे मावता थे, थोड़े गुस्से में थे और उसी के चलते कुछ हमारे स्टाफ पे मार पिटाई के कुछ केस हुआ है। उसकी हम लोग अभी अपनी सीसीटीवी कैमरे के सरसों की जाँच कर रहे हैं और जांच पूरी होने के साथ ही पुलिस कंप्लेंट वगैरह भी हम लोग उसकी करेंगे।